हालात तो बदलेंगे, और हालात की तब्दीली इनके दीन को बदलती रहेगी, ये अपने दीन को हालात के ताबे कर देंगे, अपने दीन को ये हालात के ताबे कर देंगे। तो ये फरमाया कि ये खूब ये निफाक का मिजाज है कि उन्होंने कुफ्र इस्लाम के दरमियान एक एक रास्ता बनाया है, ये इस्लाम और कुफ्र के बॉर्डर पर चलते हैं। और आप जानते हैं कि बॉर्डर पर चलने वाला कितना खतरे में होता है, जरा पैर पड़ जाए दूसरे मुल्क के हदूद में तो कैद कर लिए जाते हैं, बड़े मुल्कों में जेलें काटते हैं लोग, टहले निकले थे ये आदमी रहा कहां फिर रहे, उस मुल्क वालों ने पकड़ लिया, हमारे मुल्क में क्यों आए। हाँ ऐसा होता है कि लोग हदूद पार कर जाते हैं तो उनको अंदाजा नहीं होता। तो दो सोचने की बात है, दुनिया वालों ने जो जोग्राफिया अपनी अपनी तबीयत से अपनी चाहत से बना लिया, उसमें अगर आज हद से निकल जाए तो जेल हो जाती है। अल्लाह ताला ने जो हलाल हराम की हदूद कायम की हैं उसे पार कर गए तो अल्लाह कितने नाराज होंगे, अल्लाह कितने, जी हाँ अल्लाह की भी जेल है, अल्लाह की भी जेल है कि जो मेरी हद को पार करेगा मैं उसको अपनी अपनी जेल में रखूंगा। जी हाँ जो हमारी हद को पार करेगा हम उस जेल में रखेंगे। आप देखिए दुनिया में वो कोई उज़्र नहीं मानते, वो कहते नहीं आप तहकीक क्यों नहीं की, आपने तहकीक क्यों नहीं की कि हमारे मुल्क की हद कहाँ तक है, आप हद क्यों पार कर गए। तो मैंने सारी बात समझाने के लिए अर्ज किया था कि इस जमाने में परेशानी सारी ये है कि मुसलमान अपने हालात को हुक्काम से या अपने हालात को असबाब से जुड़े हुए है। हम समझते थे मुसलमान असले कायनात है, मुसलमान असले कायनात है, मुसलमान असले कायनात है। इसकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती कि फला ने ये कर दिया, इसकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती कि फला ने ये कर दिया, हालांकि असले कायनात मुसलमान है। ये ऐसा है जैसे कोई बादशाह यूं कहे कि मेरे मुल्क में फला के अख्तियार चलता है, बादशाह की जुबान से बात अच्छी नहीं लगती कि बादशाह ये कहे कि मेरे मुल्क में फला के अख्तियार चलता है, मुमकिन नहीं है कि आप बादशाह होकर ये कहें कि आपके मुल्क में आपके अख्तियार नहीं चलता, मुमकिन ही नहीं है। तो मुसलमान असले कायनात है, मुसलमान असले कायनात है, मुसलमान असले कायनात है। जो कायनात में तगैर होगा वो मुसलमान के अमल पर होगा, वो मुसलमान के अमल पर होगा, कुफार के अमल से कायनात में कोई तगैर नहीं होगा। तो फिर जब कुफार के अमल से कायनात में कोई तगैर नहीं तो मुसलमान अपने हालात को गैरों की तरफ कैसे मंसूब कर सकता है, अपने हालात को गैरों की तरफ कैसे मंसूब कर सकता है। इसलिए फरमाया सबसे पहले अपना रुख सही करो, सबसे पहले अपना रुख सही करो, सबसे पहले अपना अपना रुख सही करो। हर समझते थे रुख का सही होना दिल के रुख का सही होना है, रुख का सही होना दिल के रुख का सही होना है, रुख का सही होना सबसे पहले दिल के रुख का दुरुस्त होना है। तौजीह क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौजीह सिखलाई, ऐलान किया इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल-अर्ध हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, कि मैंने अपने रुख को बने हुए से बनाने वाले की तरफ फेर लिया है, रुख को बने हुए से बनाने वाले की तरफ, रुख को फेरा है बने हुए से बनाने वाले की तरफ। ये तौजीह